आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना से एक बार फिर दुमका शर्मसार हुआ है। पता चला है कि लड़की काफी गरीब थी और मजदूरी कर पेट पालती थी। उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर आरोपी राज मिस्त्री अरमान ने कई माह तक उसका यौन शोषण किया और जब वह गर्भवती हो गई तो उसकी हत्या कर दी। लड़की राज मिस्त्री के साथ ही निर्माण कार्यों में मजदूरी करती थी। राज मिस्त्री पर आरोप है कि काम करने के दौरान ही दोनों के बीच संबंध बने और जब वह गर्भवती हो गई तो उसको रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी। हत्या की यह घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है। हत्या के बाद शव को रस्सी के सहारे पेड़ से लटका दिया ताकि ये भ्रम हो कि लड़की ने आत्महत्या की है। शुक्रवार को स्थानीय लोग जब मॉर्निंग वॉक पर निकले तो देखा कि किशोरी का शव पेड़ से लटक रहा है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। दिग्घी ओपी के थाना प्रभारी सुजीत उराव मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी थी। शुक्रवार को शव की शिनाख्त नहीं हो पाने के कारण मामले का खुलासा नहीं हो सका। शनिवार को शव की पहचान के साथ ही परिजनों के बयान और पुलिस की छानबीन से पुलिस के आला अधिकारियों ने लड़की के साथ दुष्कर्म एवं उसकी हत्या की पुष्टि की। आशंका जताई जा रही है कि लड़की के गर्भवती होने पर दोनों के बीच विवाद हुआ होगा और युवक ने उसकी हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके शव को एक पेड़ से लटका दिया। आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म एवं हत्या मामले में आरोपी अरमान के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 302, 376 पॉक्सो एक्ट की धाराओं के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज केस का अनुसंधान SDPO नूर मुस्तफा अंसारी द्वारा किया जाता है। कांग्रेस हेमंत सोरेन और RJD की सरकार बनी तब से 32 महीने में 5400 बहनों के साथ बेटियों के साथ बलात्कार की घटना घटी है और 5400 में सबसे ज़्यादा आदिवासी और महादलित परिवार की बच्चियां हैं। इससे संसार करने वाली घटना क्या हो सकती है? इसके संरक्षक कौन है? इसके संरक्षक इस राज्य की सरकार में बैठे हुए लोग हैं। इसलिए राज्य की सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। 5400 बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी, एक अपराधी को भी आज तक मुकम्मल सजा नहीं मिली। कोई भी इस तरह का असामाजिक तत्व जो गलत नज़र से लड़कियों की और महिलाओं की और नज़र उठा के देखते हैं, एक ऐसा होता है ना कि कोई अगर गलत नज़र से उठाए तो हम उसका आंख फोड़ लें। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।